हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। हमने अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की ऑलरेडी फर्स्ट क्लास अपलोड की हुई है। आज हमारी सेकंड क्लास है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की। जैसा हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में दो पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे। पहला पैटर्न तो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, जहां हमने ये बताया था कि हम प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं विदाउट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक, अब आज की क्लास की अगर बात करें तो हम ये देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट्स हम प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करें। तो पैटर्न टू में आप लोगों को याद होगा, अगर आपने फर्स्ट क्लास की है तो वहां हमने बेसिक्स एक टॉपिक बताया था। एक बताया था कि हम लोग डेप्रिसिएशन प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एडजस्टमेंट देखेंगे, और एक एडजस्टमेंट हमें देखना था लैग पीरियड का। तो आज की जो पूरी क्लास है वो बेसिकली बेस्ड है ऑन बेसिक्स, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर भी डिस्कस किया था, देखो बोर्ड पे। अगर हम लोग बात करें पैटर्न टू की, तो पैटर्न टू बेसिकली क्या था, जहां हम प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट। याद होगा, विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट्स हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अब अगर इसमें देखेंगे ना, तो हम लोग तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज की जो मेरी क्लास है वो इस पे डिवोट है, बेसिक्स पे। बेसिक्स के साथ साथ हम एक एडजस्टमेंट देखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्लस डेप्रिसिएशन, एंड इसके साथ एक और एडजस्टमेंट हमें देखना है लैग पीरियड का। क्लियर? तो ये मेरा पैटर्न टू का पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है। आज हम लोग की क्लास पूरी तरीके से इस पे डिपेंड होगी, जिस पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7-8 है। एंड अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, तो याद होगा हमने लास्ट क्लास में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तीनों इस पैटर्न पे है, बट एक्चुअली में 2, 3, 4 नहीं है, सिर्फ 2 और 4 है। ठीक है, 3 इस पैटर्न पे है, तो आज हम लोग को इसकी क्लास करनी है। तो चलो अब हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेसिक्स पे। बेसिकली अगर हम लोग बात करें, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब क्या, जहाँ पे हमारे पास आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन या पार्शियल इन्फॉर्मेशन दी होगी। विद द हेल्प ऑफ दैट पार्शियल इन्फॉर्मेशन आपको प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट्स। एंड फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, ये नो डाउट हम लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, बैलेंस शीट की, और तो किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स में। तो अब हमें ये देखना है कि बेसिक्स पे जब क्वेश्चन दिया होगा तो हम बाइफर्केशन कैसे करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में जो हमने पैटर्न डील किया था वो था, जहां हमें फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाना था, तो हमने सिंपली बताया कि वहां पे आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया होगा। तो यहाँ क्या दिया होगा वो भी आप देख लो। देखो, आपके पास क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वो क्या होगी, क्वेश्चन में हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी होगी बेटा बैंक की। जर्नली जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है हम वो बता रहे हैं। एक तो बैंक की इन्फॉर्मेशन दी रहती है, कुछ लेजर्स के बैलेंसेस दिए होते हैं, जैसे डेटर के, क्रेडिटर के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए रहते हैं, और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन या कह लो अदर एडजस्टमेंट्स भी दिए रहते हैं। जैसे हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, क्लास 11th की बात कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स जब हम ड्रॉ करते तो नीचे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिए रहते थे ना, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, वैसे यहाँ पे भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे। अब इन तीनों की हेल्प से हमें क्या प्रिपेयर करना है, फाइनल अकाउंट्स। क्लियर? हाँ मैम, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनल अकाउंट्स क्या होता है ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो हमने कहा कि जनरली आपके पास जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आप क्वेश्चन में देखोगे स्टार्टिंग में बैंक की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके बाद आपके पास कुछ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं लेजर के, और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं। तो इसकी हेल्प से हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना है फाइनल अकाउंट्स। तो अब हम इसका स्टेप आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं कि इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से बेटा हम लोग सबसे पहले क्या ड्राफ्ट करते हैं। देखो, हम लोग ड्राफ्ट करते हैं सबसे पहले कैश अकाउंट, देन बैंक अकाउंट, देन डेटर्स अकाउंट प्लस बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट प्लस बिल्स पेबल अकाउंट, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, नेक्स्ट कंबाइंड एक्सपेंसेस अकाउंट,
एंड लास्ट ओपनिंग बैलेंस शीट। हमने ये बोला कि हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन दी रहेगी आधी अधूरी, इसके बेसिस पे बेटा हम लोग बहुत सारे लेजर्स ड्राफ्ट करते हैं। एंड इस लेजर की हेल्प से क्या होगा ना कि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे कि हमारा क्रेडिट सेल कितना है, क्रेडिट परचेज कितना है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फिक्स्ड एसेट में हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया, कितना सेल किया, एक्सपेंसेस में भी कितना हमारा पीएल में जाएगा और कितना हमारा एक्चुअली में पेमेंट हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है? विद द प्रिपरेशन ऑफ दीज लेजर्स हमें ये सारी की सारी बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी होती है। और ये ड्राफ्ट करने के बाद, ये जब आप सारे के सारे लेजर्स बना लोगे, देन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। दैट इज हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बेसिकली पूरा नोट्स है जो कि हमने बोर्ड पे लिख दिया। अगर हम लोग बेसिक्स की बात करें, पैटर्न टू बेसिक्स की बात करें, तो यही हमारा पूरा नोट्स है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कैसे करो कि बहुत सिंपल आइडेंटिफाई करना, आप देखोगे ना कि आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में बैंक की इन्फॉर्मेशन है, लेजर्स के कुछ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस एंड कुछ अदर एडजस्टमेंट्स दिए हैं। तब इन तीनों की हेल्प से हमें ये सारे लेजर्स ड्राफ्ट करने हैं। एंड ये लेजर्स ड्राफ्ट करने के बाद आपके पास सारी फिगर्स आ जाएंगी, एक्सपेंसेस की, इनकम की, सेल्स की, परचेज की, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और उसके बाद बहुत ही ईजिली आप फाइनल अकाउंट्स ड्राफ्ट कर सकते हो। एंड विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट्स आप बहुत ईजिली फाइंड आउट कर लोगे अपना प्रॉफिट। क्लियर है? हाँ मैम, ये पॉइंट तो हम लोगों को क्लियर है। आप मेरी एक बात सुनो, ये सारे के सारे जो लेजर्स है बेटा, ये हमने ऑलरेडी ड्राफ्ट किए हुए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। होपफुली आपने वो क्लास हमारी देखी होगी, हमने वो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं किया है तो हम उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से वो टॉपिक कवर कर लेना। एंड इसमें से कुछ लेजर्स जहां हमें पता होता है कि बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली मेरा मोटिव होता है आपको समझाना, बट अगर आपको वो चीज़ नहीं भी समझ में आया तो एक बार आप प्रैक्टिस करना, वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। इसको नोट करना है बेटा तो कर लो, फिर ये सारे के सारे लेजर्स हम इधर ड्राफ्ट करके बताएंगे। यहाँ पे पहले इसका पॉइंट हम और क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं लेजर्स। ये जितनी भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी रहती है, एडजस्टमेंट्स दिए रहते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए रहते हैं, हमेशा याद रखना कि सबसे पहली चीज़ इसका हमेशा बेटा दो एडजस्टमेंट होगा। दो एडजस्टमेंट मतलब कि इसका इम्पैक्ट हमेशा बुक्स में दो जगह जाएगा, क्योंकि हम लोग को क्या फॉलो करना है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है। तो इफ़ इन केस लेट्स से हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारे पास ओपनिंग डेटर है, तो हम डेटर के लेजर में भी डालेंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी उसका इम्पैक्ट डालेंगे। तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट या बैलेंसेज दिए रहते हैं, सबका बुक्स में दो इम्पैक्ट होगा, दैट इज दो एडजस्टमेंट होगा। ठीक, नेक्स्ट एक मेरा ये पॉइंट है, इफ इन केस मान लो हमें किसी स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझ में आ रहा, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि उस स्टेटमेंट का कहाँ कहाँ कैसे इम्पैक्ट था पड़ेगा बुक्स में, तो आप सिंपली क्या करना कि उसकी जर्नल एंट्री पास कर लेना, क्योंकि जर्नल एंट्री पास करने के बाद बहुत ही ईजी वो ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बार अभी आप देखोगे कि बिल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मेरा सिंपली ये सजेशन होता है कि दिमाग मत लगाना, जर्नल एंट्री पास करना, एंड विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री आप बहुत ही ईजिली उसका डबल इम्पैक्ट डाल पाओगे बुक्स में। चलो अब ये सारे के सारे लेजर्स, सारे लेजर्स तो नहीं देखेंगे, डेटर्स बिल्स रिसीवेबल देखते हैं, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल देखते हैं और कंबाइंड एक्सपेंसेस देख लेते हैं। बाकी होपफुली आप लोग को ड्रॉ करना आता है, नहीं भी आता होगा तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ वहाँ क्लियर हो जाएगी। देखो बेटा डेटर अकाउंट कैसे बनेगा, रफली बना रहे हैं, रीजन बीइंग ये वर्किंग नोट में ही बनना है। डेटर्स हमारा असेट है तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा, डेबिट में, टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग होगा बाई साइड, बाई बैलेंस सीडी। क्लियर? डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिन्होंने हमसे उधार पर गुड्स खरीदा होगा, तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा, टू क्रेडिट सेल्स। ये ड्यूरिंग द ईयर हमें पेमेंट भी करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक। और कई बार आपने देखा होगा कि डेटर्स बोलते हैं ना कि हम 10,000 नहीं दे पाएंगे, 1,000 का आप डिस्काउंट दे दो, तो वो डिस्काउंट भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। बेसिकली असेट है ना बेटा, तो असेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों को पता है कि जो डेटर्स होते हैं
कई बार उनसे कुछ पैसा हमें नहीं मिलता है, दैट इज बैड डेट हो जाता है, तो वो बैड डेट भी कहाँ जाएगा, बाई साइड, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा डेटर्स अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा। कई बार वो रिटर्न करते हैं जो गुड्स वो हमसे परचेज करते हैं, तो बाई सेल्स रिटर्न, क्लियर। अब इसमें एक और एडजस्टमेंट मेरे को लास्ट बताना है जो हम आफ्टर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बताएंगे। अब देखो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और डेटर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस ये है कि बिल्स रिसीवेबल भी बेसिकली क्रेडिट सेल के लिए यूज होता है एंड वो इन द फॉर्म ऑफ बिल होता है, और तो कोई डिफरेंस है नहीं। तो ओपनिंग बैलेंस इसका भी कहाँ होगा, डेबिट, और क्लोजिंग होगा क्रेडिट, ठीक। ड्यूरिंग द ईयर हमने क्रेडिट सेल किया होगा, वो आ जाएगा डेबिट में, और बिल से भी हमें पैसा मिलता है बाय बैंक अकाउंट। ये क्लियर है? हाँ मैम, ये तो क्लियर है। अब देखो, एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम यहाँ पे भी क्रेडिट सेल दिखाएं, यहाँ पे भी क्रेडिट सेल दिखाएं और दोनों को अलग अलग ट्रांसफर करें, क्योंकि एग्जाम इतना लेंथी क्वेश्चन आता है कि 15-20 मिनट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो मेरा हमेशा ये सजेशन होता है कि यहाँ हम क्रेडिट सेल्स ना दिखा करके, अगर डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो यहाँ पे हम टू डेटर्स दिखा दें बैलेंसिंग, और इस डेटर का बैलेंस यहाँ ट्रांसफर कर दें, ठीक। तब भी तो तुम्हारा डेबिट में बैलेंस क्या आएगा, क्रेडिट सेल्स ही आएगा। मेरा पॉइंट समझे? हम ये कह रहे हैं कि बिल्स रिसीवेबल में हम लोग क्रेडिट सेल्स अगर ना दिखाएं, क्रेडिट सेल अगर डेबिट में बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट सेल की जगह सीधे डेटर दिखाते हैं, तो इसको डेटर में ट्रांसफर करेंगे और डेटर का बैलेंस अल्टीमेटली क्रेडिट सेल्स आएगा। तो इससे हमें फायदा क्या होगा कि एक जगह क्रेडिट सेल्स है और उसको हम बहुत ही ईजिली ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब आप लोग ये पूछोगे कि क्या मैम यहाँ पे क्रेडिट सेल दिखाएंगे नहीं, अपने कन्वीनियंस पे, आप चाहो तो यहाँ क्रेडिट सेल दिखाओ, आप चाहो तो यहाँ डेटर्स दिखाओ, दोनों पे ही आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। बस हम क्रेडिट सेल्स क्यों नहीं प्रेफर कर रहे, रीजन बीइंग यहाँ भी क्रेडिट सेल, यहाँ भी क्रेडिट सेल, और दोनों को अलग अलग ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो बेसिकली टाइम सेविंग के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट सेल की जगह हमेशा डेटर्स दिखाएंगे। बट अगर आपको चाहिए कि आपको लेंदी करना है क्वेश्चन को, तो बहुत ही इजिली इसको क्रेडिट सेल कर सकते हो, उसमें मार्क्स डिडक्शन नहीं होना है, ठीक। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर यहाँ भी क्रेडिट सेल लिखा, यहाँ भी क्रेडिट सेल लिखा, तो उसको ट्रांसफर करना मत भूलना, कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट। चलो अब इसके बाद हम लोग किसका अकाउंट देख लेंगे बेटा, क्रेडिटर और बीपी का अकाउंट देख लें जल्दी से। तो ये तो सिंपल है, क्रेडिटर अकाउंट, इसमें भी क्या होगा बेटा, ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये लाइबिलिटी है ना, तो ओपनिंग बैलेंस डालेंगे पहले और फिर डाल देंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम उधार पर गुड्स खरीदते हैं, तो बाय क्रेडिट परचेजेस, हमें इनको पेमेंट करनी होती है आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक। हम इनसे डिस्काउंट मांगते हैं ना कि हम पूरा नहीं पे कर पा रहे, तो आप मेरे को कुछ पोर्शन उसका डिस्काउंट में दे दो। एंड इसके अलावा परचेज रिटर्न आ सकता है यहाँ पे, क्लियर। अगर बीपी अकाउंट की बात करें तो बिल्कुल सेम, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, तो बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, ओपनिंग बैलेंस, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस। अब बीपी है तो भाई इनको भी हम पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे टू बैंक या कैश आ सकता है, और अगेन देखो इनसे हम उधार पे गुड्स खरीदते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय क्रेडिट परचेजेस। अब अगेन हम लोगों पे है, हम इस क्रेडिट परचेज की जगह क्या दिखा सकते हैं, क्रेडिटर, और क्रेडिटर अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दे, और फिर अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, क्रेडिट परचेजेस। तो ये हम लोगों पे है पूरी तरीके से। अगर हम चाहें तो यहाँ क्रेडिट परचेज भी लिख सकते हैं बेटा, यहाँ चाहें तो क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है। बट अगर हमसे पूछोगे तो मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है कि बीपी और बीआर का जो हम लोग बैलेंस करते हैं वो आप विद द हेल्प ऑफ डेटा क्रेडिटर करना, एंड उसका बैलेंस डेटा क्रेडिटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ट्रांसफर करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो अल्टीमेटली क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज ही होगा, ठीक। इसको नोट डाउन कर लो, तो फिर हम लोग चलते हैं कंबाइंड एक्सपेंसेस पे। इधर का तो नोट कर ही लिया होगा, हम उधर कंबाइंड एक्सपेंस ड्रॉ कर लेते हैं, फिर सब आप साथ में ही ड्राफ्ट कर लेना। देखो बेटा, कंबाइंड एक्सपेंसेस की बात करें, अब कंबाइंड एक्सपेंसेस मतलब क्या, खर्चा तो खर्चा है, एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस है ना, तो ये कंबाइंड की क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जैसे सैलरी का है, रेंट का है, रेट टैक्सेस का है,
सब हमने मर्ज करके इसमें दिखाया होगा। इससे फायदा क्या होता है कि जब आपको पीएल की बात करो तो पीएल में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना वो यहाँ से आपको मिल जाता है, ठीक। और इसके अलावा हमें पता है कि एक्सपेंसेस में दो चीजें होती है, फर्स्ट इज प्रीपेड एंड सेकंड इज आउटस्टैंडिंग। अगर हम प्रीपेड की बात करें बेटा तो मतलब वो खर्चा जो हमने एडवांस में पे किया है, और आउटस्टैंडिंग मतलब वो खर्चा जो अभी ड्यू है हमने पे नहीं किया है, ठीक। तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अगर दिया होगा तो प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, रीजन भी वो असेट है ना, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा अगेन क्योंकि एसेट है। वैसे अगर हम लोग बात करें आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की, तो आउटस्टैंडिंग आएगा बेटा इधर ओपनिंग, और आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग इधर आएगा, ठीक। ये तो क्लियर है। अब ड्यूरिंग द ईयर आपने जितने भी एक्सपेंसेस का पेमेंट किया होगा वो टू कैश या बैंक के फॉर्म में इधर आ जाएगा, एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी बाई पीएल अकाउंट। क्लियर है? ये तो सिंपल था। अब फिर तुम लोग का एक सवाल कि मैम क्या प्रीपेड के लिए और आउटस्टैंडिंग के लिए अलग अलग हम लोग लेजर ड्राफ्ट कर सकते हैं? हाँ, ड्राफ्ट कर सकते हो, बट ये बनाने से टाइम सेव होगा एंड बहुत ही इजीली हमारा पीएल का बैलेंस आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे। लास्ट मेरे को एक चीज बतानी है कि जब हम ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं। वैसे तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये स्टेप लर्न हो जाएगा, बट स्टिल हम ओवरऑल इस पर छोटा सा डिस्कशन करना चाहते हैं कि जब हम लोग पैटर्न टू बेसिक्स पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या हमारा स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप होगा बेटा, हम स्टेप वाइज चल रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि आप क्वेश्चन में जब देखोगे तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपका मेन पार्ट है क्वेश्चन का, वो पहले आप अच्छे से ड्राफ्ट कर लो, एंड वर्किंग नोट में आप वो सारे के सारे लेजर्स ओपन कर दो जिनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो हमने क्या बोला, ड्राफ्ट, फाइनल अकाउंट्स, फॉर्मेट, ये हमारा पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, ओपन ऑल लेजर्स जिनके बैलेंसेस गिवन हो। तो सबसे पहला हमारा ये हुआ कि हम लोग फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट ड्राफ्ट करेंगे, सिर्फ ट्रेडिंग पीएल का और बैलेंस शीट का एक कह लो कि फॉर्मेट ड्राफ्ट करना है, और उसके बाद सारे के सारे लेजर्स जिनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं उनको भी आप ड्राफ्ट कर लो। उसके बाद जितने भी बैलेंसेज हैं हमको पता है कि उनका दो ट्रीटमेंट करना है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी एडजस्टमेंट है, सबका ड्यूअल इम्पैक्ट आप बुक में डाल लो, ठीक। डालने के बाद आपको क्या करना है वो यहाँ देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हम डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल अकाउंट को क्लोज करते हैं। ये पहला स्टेप है बेसिकली सब ड्राफ्ट होने के बाद। नेक्स्ट होता है फाइंड आउट जीपी, इसका मतलब हमने क्या बोला, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट पे चलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाएगा, फिर क्लोज अदर रिमेनिंग लेजर्स, बाकी फिर जितने भी लेजर्स बचेंगे उन सबको क्लोज कर दो और सबके बैलेंसेस को ट्रांसफर कर दो। फिर आपको अपना पीएल अकाउंट क्लोज करना है, दैट इज नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, एंड फिर प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर देखा जाए ना तो ये पूरा स्टेप होगा हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो कि पैटर्न टू पे बेस्ड है, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे जहां हमारे पास जितने भी हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं उन सबका लेजर आपको ड्राफ्ट करना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन जितनी एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं सबका हम डबल इम्पैक्ट बुक में डाल लेंगे। बुक में डालने के बाद जब सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पुट कर दी, सबका डबल इम्पैक्ट डाल दिया, तो सबसे पहले हमें कौन सा लेजर क्लोज करना है, डेटर्स बिल्स रिसीवेबल क्रेडिटर बिल्स पेबल। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसे क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज पता चलता है, ठीक। फिर उसकी हेल्प से हम लोग जीपी फाइंड आउट करते हैं, दैट इज ट्रेडिंग को क्लोज कर लेते हैं, फिर बाकी सारे के सारे लेजर्स को हम लोग क्लोज करते हैं, फिर नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, एंड एट लास्ट हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। हमारा हमेशा स्टेप यही होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पैटर्न टू बेसिक्स पे है, क्लियर। अच्छा, अब इसमें से जो भी आप लोगों को नोट करना है कर लो, फिर हम लोग सीधे बुक के इलस्ट्रेशन पे चलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरा सीधे सीधे सिर्फ इतना था, क्लियर है। अब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको और पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा।
आपको बस इतना ध्यान रखना होता है दो चीज का कि आपके क्वेश्चन में जितने भी एडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन है आप उसका हमेशा डबल इम्पैक्ट डालना बुक में, डुअल इम्पैक्ट आप उसका डालोगे बुक्स में। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन की या एडजस्टमेंट की इम्पैक्ट ना समझ में आए कि बुक में कहाँ उसको कैसे डालना है तो आप उसकी जर्नल एंट्री पास कर लेना, ठीक। और उसके बाद फिर हम लोग ये स्टेप फॉलो करेंगे, तो जल्दी से नोट करो फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। आप सब आ जाओ बुक पे। मेरे पास जो एडिशन है उसमें पेज नंबर 14.28 पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। हमने पहले ही बताया कि हम लोग इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 8 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 2 एंड 4 इस सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं बेटा और फिर स्टेप वाइज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड अ बैलेंस शीट इज एट दैट डेट। हमने पहले ही बताया था कि हमसे फाइनल अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट करेगा, तो फाइनल अकाउंट्स हमें बिल्कुल नीट एंड क्लियर ड्रॉ करना है। एंड अगर हम लोग बात करें वर्किंग नोट्स की तो वो हम रफली ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा ऑल वर्किंग्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। अब हमें कैसे पता चलेगा मैम कि सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है? देखो, क्वेश्चन में हमारे पास स्टार्टिंग में बेटा बहुत सारे लेजर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। हाँ मैम, दिया है। नेक्स्ट देखो, लिखा है डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन इन द ईयर। तो बेसिकली क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म है या बैंक इन्फॉर्मेशन या नहीं दिया, बट स्टेटमेंट फॉर्म दिया है ना, तो सिंपली ये कौन सा पैटर्न हो गया, पैटर्न नंबर 2। और इसमें हमने सबसे पहला स्टेप यह बताया बेटा कि जो फाइनल अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, देखो हमने बोर्ड पे ऑलरेडी ड्राफ्ट किया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट ड्राफ्ट करेंगे कि एग्जाम में भी ऐसे करना है। हाँ, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। और अभी कॉपी में भी आप लोग स्टार्टिंग हमेशा किससे करोगे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट से, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन का पार्ट है और एग्जाम में मार्क्स इसी पे मिलना है, तो इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना। रीजन बीइंग कि इस पे ही हम लोग का मार्क्स बेस्ड होगा, इसमें हम लोग सारे फिगर्स को क्लोज भी करेंगे, ठीक। एंड उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था बेटा कि आपके क्वेश्चन में जितने भी लेजर्स दिए रहेंगे सबका आप एक लेजर ड्राफ्ट कर लेना। तो इसमें देखो, क्वेश्चन में हमारे पास क्रेडिटर्स दिया है, हमने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया है, सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग बनाया है, सन्ड्री एसेट अकाउंट बनाया है, स्टॉक या इन्वेंट्री इन ट्रेड का कभी भी कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद फिर हमने कैश इन बैंक बनाया है, डेटर्स बनाया है। उसके अलावा ओपनिंग बैलेंस शीट तो आपको हमेशा बनाना पड़ेगा, रीजन बीइंग कि यहाँ से हमारे पास ओपनिंग कैपिटल की फिगर हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो ये देख लो, जैसा हमने स्टेप बताया था हम उसी चीज को फॉलो किए हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था, सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन दिए हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी हैं, सबको हम बुक्स में कहीं ना कहीं डालेंगे। वो भी कितनी जगह, दो जगह। हमने पहले बताया कि हर एक एडजस्टमेंट, हर एक इन्फॉर्मेशन का हम दो इम्पैक्ट बुक में दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चीज से, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे जब हम सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स और इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं फीड कर लेंगे। देखो, सबसे पहले बेटा मेरे पास क्रेडिटर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से करके दिखाएंगे। रीजन बीइंग ये फर्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग बहुत ही ईजिली बैलेंसेस ट्रांसफर कर पाओगे। देखो, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है क्रेडिटर्स का, 15,750, तो वो यहां जाएगा ना। अभी हमने आप लोगों को लेजर भी ड्राफ्ट करके बताया था, 15,770। इसका दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा बेटा, ये ओपनिंग क्रेडिटर्स है ना, तो इसको हम बैलेंस शीट में डाल दें। ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना, 15,770। सेम क्लोजिंग बैलेंस के लिए करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 12,400। तो टू बैलेंस सीडी, और देखो मेरी तरह ये बी ए एल मत लिखना प्लीज, बैलेंस पूरा लिखना, अदरवाइज एग्जाम में मार्क्स कटेगा। 12,400 कहाँ डालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दे बेटा। ये है मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक। हो गया दो ट्रीटमेंट, देख लो हमने एक ट्रांजेक्शन का दो दो ट्रीटमेंट किया है, पहला यहाँ तो दूसरा यहाँ, पहला यहाँ तो दूसरा यहाँ, ठीक। नेक्स्ट देखो, सेम एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, तो ओपनिंग कहाँ हो जाएगा, लाइबिलिटी है ना, बाई बैलेंस बी डी। ओपनिंग कितना दिया हुआ है, 600, और इसका दूसरा बैलेंस कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 600। वैसे ही इसका जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है, टू बैलेंस सी डी 330, वो हम डालेंगे क्रेडिट में एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। इस तरीके से आउटस्टैंडिंग एग्जाम में लिख सकते हैं, बट इस तरीके से बैलेंस नहीं लिख सकते, पूरा पूरा प्लीज बैलेंस लिखना, बी ए एल ए एन सी ई। नेक्स्ट देखो बेटा, असेट का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, तो ओपनिंग डाल देंगे कहाँ, डेबिट में, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 11,610, और इसका दूसरा इम्पैक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 12,040, तो उसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ चला जाएगा बेटा, बैलेंस शीट में,
फिक्स्ड एसेट मत लिखना, सन्ड्री एसेट लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में सन्ड्री एसेट दिया है। जो क्वेश्चन में दिया होगा ना वही लिख देंगे, यहाँ पे भी सन्ड्री एसेट प्लीज लिख कर लेना। नेक्स्ट देखो बेटा क्या दिया, इन्वेंट्री इन ट्रेड। तो जब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो पहला एडजस्टमेंट हमें पता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और उसका दूसरा इंपैक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग देखो दिया हुआ 8040, तो ओपनिंग स्टॉक हम डाल दें ट्रेडिंग में। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 11,120। ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है बेटा, तो ओपनिंग क्लोजिंग उसके लेजर में जाएगा और उसके अलावा बैलेंस शीट में जाएगा। तो 6960 ओपनिंग बैलेंस है। और हर क्वेश्चन में ना याद रखना कि जब भी कैश इन बैंक अकाउंट की बात करेंगे तो वही लेजर एक ऐसा होता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम जिसके लिए मेरे को स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और बाकी सारे अगर आप लोग लेजर्स देखोगे ना तो दो दो तीन तीन ट्रीटमेंट ही उसमें हमें करने होते हैं। इसका बैलेंस दिया है 8080, तो यहाँ फीड कर दें हम। कैश इन बैंक बैलेंस ओपनिंग दिया है 6960 और क्लोजिंग है 8080। हो गया। और डेटर्स का भी देखो, डेटर्स का ओपनिंग नहीं दिया है, क्लोजिंग दिया। आप देखो उसको लिखना कैसे है, प्लीज ये समझना। आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन मार्क लगा है तो स्किप कर देते हो, बल्कि यहाँ पे प्रॉपर लिखो टू बैलेंस बीडी। मेरे पास ये बैलेंस नहीं है, और यहाँ लिखो डेटर्स। अब इससे क्या होगा ना, हमें ये पता होगा कि अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर चाहे तो ये आएगा, नहीं तो मेरे को ये कहीं ना कहीं फीड करना है इसमें, ठीक है। ये मेरा रह जाएगा, ड्यू रह जाएगा। बट अगर मान लो आप नहीं लिखोगे ना तो बाद में आप इसका डबल इम्पैक्ट डालना भूल जाओगे बुक्स में। ये है 17,870 और डेटर्स कहाँ जाएगा, इधर देख लो। हमने सबका बुक्स में जो दो इम्पैक्ट पे जाना था सब जगह हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, सेम यही काम डिटेल्स रिलेशन टू ट्रांजेक्शन इन द ईयर दिया है ना, उसके साथ भी हम वही चीज करने हैं कि करेंगे कि सबका डबल इम्पैक्ट डालेंगे। अब डिटेल्स पढ़ते जाते हैं और उसका भी दो दो इम्पैक्ट बुक में डालेंगे। देखो सबसे पहले बोला कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है कहाँ से, डेटर्स से। बट कितना अमाउंट दिया है, 64,000। तो देखो पहला इम्पैक्ट इसका कैश बैंक में डाल दिया, और दूसरा हम कैसे लिखेंगे, बाय डिस्काउंट। हमें इन दोनों की फिगर अभी नहीं पता है, जब पता चलेगी तो हम यहाँ पे फीड करेंगे। बट कैश बैंक का दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, इधर टू डेटर्स। और डिस्काउंट का दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, पीएल में, डिस्काउंट अलाउड। ठीक, बाद में जब इसका बाइफर्केशन पता चलेगा तो हम कहीं ना कहीं इसको डाल देंगे। नेक्स्ट देखो लिखा है सेल्स रिटर्न है 1450 का। तो सेल्स रिटर्न की अगर बात करें तो वो डेटर्स अकाउंट में जाता है, ये तो हमने बताया भी था। बाय सेल्स रिटर्न कितना, 1450। सेल्स रिटर्न का दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ लिख दें बाई सेल्स। अभी मेरे पास सेल्स की फिगर नहीं है, बट सेल्स रिटर्न की फिगर तो है 1450। हो गया इसका दूसरा इम्पैक्ट। नेक्स्ट ट्रीटमेंट देखो बेटा क्या दिया है, कह रहा है बैड डेट 420 है। बैड डेट अगेन हमें पता है, जब डेटर्स हमें पैसा नहीं देता तो बाई बैड डेट्स हमारा क्या, ये लॉस है 420 का। और ये इसकी दूसरी एडजस्टमेंट कहाँ होगी, पीएल में, टू बैड डेट्स, क्योंकि हमारा लॉस है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या दिया है, सेल्स। अब सेल्स में कैश प्लस क्रेडिट दोनों दिया हुआ है, तो सिंपली कैश प्लस क्रेडिट हम कहाँ फीड करते हैं बेटा, ट्रेडिंग पीएल में, 71810। ये फिगर मेरे पास पूरी पूरी कैलकुलेट करके दी है। बट इसका डबल इम्पैक्ट कैसे जाएगा, जो कैश सेल होगा, क्योंकि जब लिख दिया कि कैश प्लस क्रेडिट है तो कैश सेल्स चला जाएगा कैश इन बैंक अकाउंट में, जिसकी फिगर क्या मेरे पास है, नहीं मैम अभी तो नहीं है। और डेटर्स में चला जाएगा टू क्रेडिट सेल्स। और हमने ऐसा क्यों किया, सिंपली इसलिए सो दैट बाद पे हमें दिखे कि हाँ इसकी फिगर अभी मेरी ड्यू है। हमने बस डबल इम्पैक्ट शो किया है। ठीक, क्या हम इसका बाइफर्केशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, रीजन भी हमारे पास दोनों की अलग अलग फिगर नहीं दी है।
नेक्स्ट देखो क्या दिया है बेटा, डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, तो हमारा फायदा है डिस्काउंट रिसीव्ड 700 का डिस्काउंट है, तो इधर जाएगा 2 डिस्काउंट 700। और इसका दूसरा इंपैक्ट कहाँ चला जाएगा बेटा, पीएल में बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना है 700। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, परचेज रिटर्न 400, तो परचेज रिटर्न भी कहाँ जाएगा, क्रेडिटर्स में, 2 परचेज रिटर्न 400। और इसका दूसरा इंपैक्ट कहाँ जाएगा बेटा, ट्रेडिंग में, 2 परचेजेस अभी मेरे पास नहीं दिया है बट मेरे पास परचेज रिटर्न दिया है, तो हम यहाँ से लेस करके लिख देंगे 400। क्लियर। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या दिया है, एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, अगर एडिशनल कैपिटल कोई ब्रॉट करता है तो सिंपली एंट्री क्या हो जाती है, कैश और बैंक टू कैपिटल। और इस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि वो हमने सीधे सीधे बैंक में डाला है, एंट्री होगी बैंक टू कैपिटल, तो हम क्या करेंगे बैंक अकाउंट में डालेंगे और अपने कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। कितने से हो रही है एंट्री बेटा, 8500 से, यहाँ डालें 2 एडिशनल कैपिटल, कितना 8500। और इसका दूसरा इंपैक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल इंक्रीज करना है तो मेरे पास कैपिटल के फिगर तो नहीं है बट हम यहाँ ऐड करके लिख दें एडिशनल कैपिटल। क्लियर। नेक्स्ट, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक। अब देखो यहाँ पे दिया है, एकदम स्टार्टिंग में ये बोला था कि डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन इन द ईयर में, पहला ट्रांजेक्शन देखो लिखा था कि कैश इन डिस्काउंट कितना क्रेडिट हो रहा है डेटर्स में, 64,000 हो रहा है, ठीक है, मतलब ये दोनों फिगर मिला करके कितनी थी, 64,000 थी, जिसमें से 62,500 रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स था, उसको बैंक में डाला, इसका मतलब 1500 क्या था, डिस्काउंट था ना। तो अब देखो हम लोग को सिर्फ क्या करना है बेटा, डेटा इधर फीड कर देना है, 62,500 1500। इसका दूसरा इम्पैक्ट ये है, तो यहाँ पर डाल दोगे 62,500 और बाकी 1500 का एडजस्टमेंट, देखो यहाँ पे हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ी हुई थी। अब अगर ये ब्लैंक स्पेस तुम लोग नहीं छोड़ते तब तुम लोग को दिक्कत होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट देखो लिखा है कैश परचेजेस 1030, तो अब अगर कैश परचेज है तो कैश बैंक अकाउंट में जाएगा बाय परचेजेस 1030। और इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा बेटा, बट ऑब्वियस ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ डाल दें। अब यहाँ देखो थोड़ी सी स्पेस मेरे को बढ़ानी होगी क्योंकि इसमें ना कैश भी दिया है और क्रेडिट भी दिया है, कैश कितना दिया है 1030 और अभी क्रेडिट के फिगर हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखो लिखा है कैश एक्सपेंसेस 9570, तो कैश एक्सपेंसेस है तो यहाँ जाएगा बाई एक्सपेंसेस 9570 और एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है बट देखो एक्सपेंसेस अकाउंट हमने बनाया है तो यहाँ हम डाल दें 2 कैश और बैंक, कितना 9570। इसको डायरेक्टली पीएल में नहीं डाल सकते, रीजन बिंग हमने इसका लेजर ड्राफ्ट किया हुआ है। नेक्स्ट देखो पेड बाय चेक फॉर मशीनरी पेड, हमने मशीनरी खरीदी और उसके लिए पेमेंट कहाँ से किया है, बैंक से किया है, यहाँ लिखिए बाय मशीनरी 430 और यहाँ देखो मशीनरी अकाउंट बनाया दैट इज असेट अकाउंट बनाया है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 बैंक परचेजेस 430। क्लियर। नेक्स्ट, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब ड्रॉइंग्स की है, कितने की ड्रॉइंग्स की है 3180 की, बैंक से की है बाय ड्रॉइंग्स 3180। और इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा बेटा, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, कर दो कैपिटल डिक्रीज 3180, ये 1 लग रहा है। नेक्स्ट, अब कैश पेड इनटू बैंक और कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक है तो बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री है, हमने उसका एक ही लेजर ड्राफ्ट किया है, अगर आप चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो बट हम स्किप नहीं करेंगे, रीजन बीइंग हर एक सिंगल एंट्री पे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स अलॉट होता है एग्जाम में। तो पहला बोला कैश पेड इनटू बैंक, तो बैंक बढ़ गया कैश घट गया, तो बैंक टू कैश एंट्री हो जाएगी 5000 से बाय बैंक और यहाँ क्या लिखोगे कॉन्ट्रा टू कैश कॉन्ट्रा। नेक्स्ट है कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगर हम कैश ड्रॉ कर रहे हैं बैंक से तो हमारे पास कैश आएगा बैंक घट जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी कैश टू बैंक 9240 कैश टू बैंक
9240। क्लियर क्लियर हो गया ये। आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया बेटा, इसमें लिखा है ना कि कैश इन हैंड ऑन 31/3/2017 कितना है 1200, बट मेरे पास तो कैश और बैंक का बैलेंस मिला करके दिया है, तो क्या हम इसके बाइफर्केशन की जरूरत है? नहीं, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जरूरत नहीं है, और हम हमेशा कोशिश करते कि हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव हो, तो हम कभी भी इसका बाइफर्केशन प्रेफर नहीं करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखोगे कि कैश का अलग ट्रांजेक्शन दिया रहता है, बैंक का अलग ट्रांजेक्शन दिया रहता है, तो नो डाउट वहां हमें कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट अलग अलग बनाना होता है, तो दोनों का अलग अलग बैलेंस भी चाहिए होता है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए वो पॉइंट मेरे लिए बिल्कुल इररिलेवेंट है। एंड लास्ट पॉइंट देखेंगे, चेक्स इशूड टू ट्रेड क्रेडिटर्स, हमने ट्रेड क्रेडिटर्स को कितना चेक इशूड किया है 60270 का, तो बैंक से हो रहा है टू बैंक 60270, और इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, बाई क्रेडिटर्स 60270। क्लियर, देख लो अब तो बुक में हमारे पास कहीं पे भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं बचा है, तो सिंपली हमने क्या किया कि हमारे क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन बैलेंसेज एंड एडजस्टमेंट दिए थे सबके दो दो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर लिए। अच्छा, अब एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमने स्टेप्स बताए थे, स्टेप्स में मेरा पहला स्टेप था ट्रेडिंग पीएल बनाना, हमने बना लिया था, ड्राफ्ट कर लिया था, सारे लेजर्स ओपन कर लिए थे और सबका डबल इम्पैक्ट बुक में दिखा दिया। तो अब हमने ये भी बताया था कि पहले कौन सा लेजर क्लोज करते हैं और बाद में कौन सा लेजर क्लोज करते हैं। पहले हम लोग डेटर क्रेडिटर बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल क्लोज करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, आफ्टर दैट जितने भी हमारे लेजर्स बचे होंगे इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट उसको क्लोज करेंगे, फिर नेट प्रॉफिट बना के बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर, बट इस क्वेश्चन में देखो कैश एंड बैंक का जो बैलेंस बचा है वो कैश सेल है ना, रीजन बिंग हमारे पास ये फिगर नहीं फाइंड आउट हुई है, तो यहाँ पे हम कैश एंड बैंक को भी क्लोज कर देंगे। सबसे पहले क्या करें, डेटर क्लोज कर लें। अब देखो डेटर अगर हम क्लोज करते हैं तो क्या हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया है, नहीं दिया, क्या हमारे पास क्रेडिट सेल दिया है, नहीं दिया, बट हमारे पास टोटल सेल दिए, तो पहले हम लोग क्या करें कैश सेल फाइंड आउट कर लेते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, अदरवाइज आप हमेशा डेटा कैटा से चलना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1030 9570 430 3180 5000 9240 60270 plus 8080 -6960 -62500 -85500 -5000, ये बैलेंस आ रहा है 4600। ये बैलेंस हमारा इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था, रीजन बीइंग कि इससे अब हमारा क्रेडिट सेल आ जाएगा, क्योंकि हमारा टोटल सेल कितना था 71810 -4600। इस क्वेश्चन में कैश इन बैंक अकाउंट हमें पहले क्लोज करना पड़ा, क्यों? क्योंकि इसमें कैश सेल हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है। क्लियर है ना, और हमने पहले बताया कि हमारा मोटिव बेसिकली होता है ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना, एंड ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना मतलब जहां पे हमारे पास सेल्स परचेजेस ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की सारी फिगर हम फाइंड आउट कर पाए। तो अब चलो ये हमारे पास क्रेडिट सेल्स आ जाएगा 67210, अब इसको क्लोज कर लेते हैं। पर उसके पहले देखो इसका डबल इम्पैक्ट हमने यहाँ डाला हुआ है और कैश सेल का भी डबल इम्पैक्ट डाला हुआ है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 16530 और इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि क्रेडिटर अकाउंट क्लोज करेंगे। क्यों क्रेडिटर अकाउंट क्लोज करेंगे, क्योंकि यहां से हमें क्रेडिट परचेज की फिगर मिलेगी। कितनी आ रही है देख लेते हैं, 700 + 400 + 60 270 12400 - 15770 यारी 58000। ठीक है, इस 58000 को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, विद इन ट्रेडिंग, और परचेज रिटर्न मेरा 400 है, तो इसको टोटल करके बाहर लिख लेते हैं, ये आ रहा है 58630। अब देखो क्वेश्चन में मेरे पास सेल्स दिया है, परचेजेस दिया, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सब दिया है, तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। पर ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे लिखते हैं ये देख लो प्लीज, ये कैरेट डाउन होगा और यहाँ आप लिखोगे बैलेंसिंग फिगर। हमेशा याद रखना कि इस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चंस होंगे, हमेशा जहां आप बैलेंसिंग फिगर निकालो चाहे लेजर में चाहे ट्रेडिंग पीएल में, वो आपको मेंशन करना होता है। चलो अब जल्दी से हम लोग इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें। देखो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, आप लोग भी कैलकुलेट करो, ये है हमारा टोटल 81480, तो इसका मतलब 81480 इधर भी आना चाहिए, माइनस 58630 - 8040,
ये आ रहा है 14,810। इसको ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि सबका डबल इम्पैक्ट है तो इसका भी होगा। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 14,810। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि बाकी जितने भी लेजर्स बचे हैं हम सबको क्लोज करेंगे। एक्सपेंसेस को देखो कैसे क्लोज करेंगे, बाय पीएल अकाउंट, ये क्या आ जाएगा बैलेंस, कितना आ रहा है बेटा कैलकुलेट करेंगे, 9570 प्लस 330 माइनस 600 यार है 9300। ये 9300 कहाँ चला जाएगा, सीधे सीधे पीएल में, टू एक्सपेंसेस अकाउंट 9300। क्लियर। उसके बाद देखो असेट्स, अगर हम असेट की बात करेंगे तो ये वैसे भी क्लोज हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी डेप्रिसिएशन की कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं दी है। देख लो बोथ साइड 12,040 ही आएगा, और क्योंकि ये वर्किंग नोट इसलिए हम कहीं पे भी इसका टोटल नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, आपको भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिटर्स पहले हो गया था, डेटर्स पहले हो गया था, ये दोनों भी क्लोज हो गया। कैश बैंक हमने पहले क्लोज कर दिया था, अब हम क्या क्लोज कर लेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, करो इसको क्लोज। देखो कितना आ रहा है, 11,610 प्लस 16,530 प्लस 8,040 प्लस 6,960, उस साइड का टोटल है 43,140 लिख दे रहे हम, तो नो डाउट इधर भी हमें यही फिगर चाहिए, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, कैपिटल, ये मेरा बैलेंस है, माइनस 15770 माइनस 600, ये आ रहा है 26,770 का ओपनिंग कैपिटल। अब वो ओपनिंग कैपिटल का डबल इम्पैक्ट डालना है तो ये आ गया 26,770। क्लियर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या बताया था कि जब सारे लेजर क्लोज हो जाए तो पहले आप नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करो, और जो भी इसका बैलेंस है वो क्या होगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और यही मेरा बैलेंसिंग फिगर भी है। देखो कितना आ रहा है, 14810 प्लस 700, 14810 प्लस 700, इसका हम यहाँ टोटल लिखेंगे। रीज़न बींग ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं बोर्ड पे, तो पूरा पूरा फॉर्मेट हमें देखना है, नहीं तो आप लोग भी बैलेंस नहीं ट्रांसफर करोगे, हमें पता है। ये है 15510 इसका टोटल, तो इस साइड भी उतना ही आना चाहिए, 15510 देख लेते हैं, माइनस 1500 माइनस 420 माइनस 9300, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट आ रहा है 4290 का। इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ डालेंगे, बैलेंस शीट में, नेट प्रॉफिट 4290 टोटल करके बाहर लिख लें, ये आ रहा है 36380। अब बोथ साइड इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमने सारे के सारे फिगर्स का डबल इम्पैक्ट डाला है, देखें 330, इसका इधर का टोटल आ रहा है 49,110, तो उधर का भी टोटल उतना ही आना चाहिए, ये ज़ीरो है, इधर का भी टोटल आ रहा है 49110, हो गया। तो देख लो हमने सिंपली किया क्या इस क्वेश्चन में, कि सबसे पहला स्टेप था कि हम लोग ट्रेडिंग पीएल का और बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया, और बाकी जितने भी बैलेंसेस दिए थे उनका एक हमने लेजर ड्राफ्ट कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन है, चाहे कोई एडजस्टमेंट है, सबका डबल इम्पैक्ट बुक में डाल दो। क्लियर। इसके बाद आपका मोटिव ये होना चाहिए कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है, तो उसके लिए डेटर प्लस बीआर, क्रेडिटर प्लस डीपी, ये सब आपको क्लोज करना होता है। इस क्वेश्चन में नो डाउट पहले में कैश बैंक भी क्लोज करना पड़ा, बट उसके बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो, फिर जितना भी लेजर है सबको क्लोज कर दो, बैलेंस ट्रांसफर कर दो, एंड एट लास्ट नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करके बैलेंस शीट क्लोज करनी है। क्लियर। तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, ये आप अब आराम से नोट कर लो, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। ये था 7, अब हम लोग चलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे।